हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने वीट फ्लोर और मैदा से स्प्रिंग रोल शीट्स बनाना सीखी थी। आज उन्हीं शीट्स से मैंने स्प्रिंग रोल यहाँ पर तैयार किया है। बनाना बहुत आसान है और उन्हीं शीट्स को मैं यूज में लेकर आज बना रही हूँ। इसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने लिया है यहाँ पर लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च, इसको लंबाई में मैंने कट कर लिया है। केबेज, इसको भी लंबाई में मैंने बारीक कट कर लिया है। गाजर साफ धोकर मैंने ग्रीट कर लिया है। स्प्रिंग ऑनियन है बारीक कटा हुआ। एक छोटा चम्मच अदरक है, इसको मैंने ग्रीट कर लिया है। एक छोटा चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ। नूडल्स हैं ये, मैंने इनको छोटे टुकड़ों में कर दिया है। ये स्प्रिंग रोल का मेन इंग्रेडिएंट है और इसको मार्केट में जो कलर आता है उसी तरह से हम तैयार करेंगे, और साथ ही इसमें जो कलर और हम ऐड करेंगे वो जब हम बॉईल करेंगे तभी मैं आपको बताऊंगी। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और नमक आप टेस्ट के हिसाब से डालें। एक बड़ा चम्मच सोया सॉस, एक बड़ा चम्मच विनेगर। चलिए स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। उबलते हुए पानी में हम नूडल्स डालेंगे, फ्लेम हाई कर दें। साथ ही अब इसमें हम हल्दी पाउडर आधे चम्मच से थोड़ा कम है, और थोड़ा सा हम ड्राई ऑरेंज कलर 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे, और नूडल्स को हल्का सा गलने तक हम ऐसे ही बॉईल करेंगे। नूडल्स बॉईल हो गए हैं, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इन्हें हम एक सीव में डालेंगे, और नीचे मैंने पॉट सेट कर रखा है, और साथ ही इसके ऊपर थोड़ा सा हम ठंडा पानी डालेंगे जिससे नूडल आपस में चिपकेंगे नहीं। नूडल्स को हम ठंडा होने देंगे। अब हम एक पैन में ऑयल गर्म करेंगे, 2 टेबल स्पून लिया है हमने। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम लहसुन ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हम अदरक भी ऐड करेंगे। ये स्टफिंग हम हाई फ्लेम पर ही तैयार करेंगे जिससे सब्जियां क्रंची भी रहे और पानी भी नहीं छोड़े। अब इसमें ऐड करेंगे हम तीनों तरह की शिमला मिर्च, हाई फ्लेम पर ही हमें चलाना है। शिमला मिर्च को भूनने के बाद इसमें हम पत्ता गोभी ऐड कर देंगे। सब्जियां जब आप कटिंग करें तो सबसे पहले सब्जियों को अच्छे से धोएं और कपड़े से पोंछ लें ताकि सब्जियां पानी नहीं छोड़ें। अब हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। पत्ता गोभी डालने के बाद भी मैंने आधा मिनट ही चलाया है इसे। और साथ ही इसमें अब हम प्याज भी ऐड कर देंगे।
अब इसमें हम नमक और काली मिर्च दोनों ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे हम सोया सॉस और विनेगर। फ्लेम हमें हाई ही रखना है। नमक, काली मिर्च, विनेगर, सोया सॉस ऐड करने के बाद आधा मिनट मैंने इसमें चलाया है। अब इसमें हम नूडल्स ऐड कर देंगे। नूडल्स का कलर बहुत ही सुंदर आया है, बिल्कुल मार्केट की तरह जो स्टीम रोल हम खाते हैं उसी तरह से। अब हम फ्लेम लो कर देंगे। स्टफिंग को अच्छे से मिक्स करेंगे। स्टफिंग रेडी है, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और स्टफिंग को हम ठंडा होने देंगे। स्टफिंग ठंडी हो चुकी है, अब हम स्प्रिंग रोल शीट लेंगे। इसका वीडियो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। व्हीट फ्लोर की भी ली है मैंने और मैदा से बनी हुई दोनों ही शीट में लूंगी। यहाँ पे एक शीट लेंगे मैदा का, इस तरह से हम गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। स्टफिंग को इस तरह से थोड़ा सा हम किनार छोड़ेंगे और यहाँ ऊपर रखेंगे। और अब इस पेस्ट को हम चारों तरफ लगा देंगे। अब इसे इस तरह से हम टर्न करके यहाँ पर अच्छे से हाथों से प्रेस करेंगे जिससे किनारे चिपक जाए। और साथ ही हम साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और किनारों को अच्छे से चिपका देंगे। अब इस साइड से फोल्ड करेंगे किनारों को अच्छे से चिपका देंगे। अब इसे हम टर्न करना शुरू करेंगे। इस तरह से बस हमें किनारों को अच्छे से चिपकाने का ध्यान रखना है। स्प्रिंग रोल तैयार है, अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। एक पैन में हम ऑयल गर्म करेंगे। हाई फ्लेम पर गर्म करने के बाद हम फ्लेम लो कर देंगे और इसमें इस स्प्रिंग रोल को हम डालेंगे। थोड़ा सा हम इसे टर्न करते रहेंगे। बस हमें किनारे पेक करने का अच्छे से ध्यान रखना है जिससे स्प्रिंग रोल खुले ना। लाइट ब्राउन कलर का ये हो चुका है, अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे।
बहुत ही सुंदर स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही क्रिस्पी स्प्रिंग रोल्स बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह से हमने जो वीट फ्लोर से जो शीट बनाई थी उसी से भी हम और स्प्रिंग रोल तैयार कर लेंगे। स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हैं, बहुत ही क्रिस्पी रोल बने हैं। ये वीट फ्लोर से बनाया है और ये मैदा वाली शीट से मैंने बनाया है, लेकिन डिफरेंस दोनों में ज्यादा नहीं लग रहा है, दोनों ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। मैदा अवॉइड करना चाहते हैं तो आप वीट फ्लोर की शीट्स बनाकर यूज में ले सकते हैं। इन्हें बनाना बहुत आसान है। अगर आपको मेरा स्प्रिंग रोल बनाने का यह तरीका पसंद आता है तो फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।